हाय फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, नया मॉडल है, डीजल गाड़ी है। तो आज हम लोग इसका करने वाले कंप्लीट सर्विस, और सर्विस में क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे। इसके सारे ब्रेक्स, चारों ब्रेक्स खोलेंगे और इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और डीजल फिल्टर भी चेक करेंगे उसका, और जो ज़रूरत है, जो जिसमें प्रॉब्लम रहेगा वो चेंज करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अभी तो सर्विस तो करना ही है फाइनली जो भी है, और खोलते हैं अभी हम लोग इसका टायर वगैरह खोलते हैं, ब्रेक चेक करेंगे इसका सबसे पहले, और इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर सारे चेंज होएंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे गाड़ी को जैक पे ले लिया है, आप लोग देख सकते हो। चारों टायर खोलेंगे अभी हम लोग और चारों ब्रेक सर्विस करेंगे, और इसका जो भी है, कूलेंट है, इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, एयर फिल्टर है, सारे चेक करेंगे और जो प्रॉब्लम रहेगा वो चेंज करेंगे या तो टॉपअप करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लोगों ने टायर खोल दिया है और अभी ब्रेक भी चेक करेंगे और यहाँ पे बुशिंग भी सारे चेक करेंगे सस्पेंशन के। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सारे बुशिंग चेक करके लगाएंगे अच्छे से प्रॉपर। और यहाँ पे देखेंगे तो डिस्क में लाइनिंग है, और ब्रेक पैड की कंडीशन क्या है दिखाऊँगा आपको मैं अभी खोलेंगे तो। और बुशिंग भी चेक किए, सब प्रॉपर है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो हम लोग सब ऑयल ग्रीसिंग करके लगाएंगे अच्छे से। और ब्रेक्स अभी खोल ले इसका, ब्रेक्स की क्या कंडीशन है देखते हैं। यहाँ पे ब्रेक पैड की कंडीशन तो अच्छी है, ब्रेक पैड अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और डिस्प्ले है तो गाड़ी ज़्यादा रन नहीं होती, कस्टमर का कंप्लेन है कि खड़ी रहती है, तो हम लोग इसको पेपर मार के, पॉलिश मार के अच्छे से फिटिंग करेंगे। ब्रेक पैड तो अच्छा है, कोई इश्यू नहीं है। और अभी राइट साइड का देखेंगे, राइट साइड का भी चेक करेंगे ब्रेक पैड। यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड का ब्रेक पैड है, ये भी प्रॉपर है, कोई इश्यू नहीं है। और डिस्क को पेपर मार के, पॉलिश मार के अच्छे से लगाएंगे, ब्रेक पैड हमारा अच्छा है, ब्रेक पैड चल जाएगा। और रियर का भी ब्रेक सर्विस करके ले रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे का ब्रेक है, ये लाइनर वगैरह अच्छे से क्लीन करके लेंगे, और सिलेंडर लीकेज है क्या वो भी देखेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है सर्विस में, सबसे पहले ब्रेक चेक कर दें हम लोग, और सेकेंड स्टेप आपको बताएँगे क्या है। ये हमारा पहला स्टेप है कि सारे ब्रेक्स चेक करते हैं अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम है ब्रेक सर्विस करके अच्छे से लगाते हैं। और दूसरा स्टेप है वो मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी में हम लोग सबसे पहले ब्रेक चेक करते हैं, चारों ब्रेक, और सर्विस करके लेते हैं ब्रेक, उसके बाद दूसरा स्टेप अपना काम करते हैं। पहले स्टेप में हमारा ब्रेक सर्विस होता है, देख सकते हो यहाँ पे ड्रम भी क्लीन करके ले रहे हैं अच्छे से, और इसको अच्छे से पोंछ के, हवा मार के और पेपर मार के फिटिंग करेंगे हम लोग। तो हम लोग करके ले लेते हैं ये लेफ्ट का ब्रेक, वो भी क्लीन करके लेंगे अच्छे से। ये भी ब्रेक हम लोग क्लीन करके ले लेते हैं अच्छे से। दूसरे स्ट्रिप में सारे फिल्टर्स निकालने हैं, देख सकते हैं एसी फिल्टर, यहाँ पे इसका एयर फिल्टर भी खोल रहे हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में फिल्टर सारे चेक करने हैं और क्लीन करना है, और गया तो दूसरा डालना है हम लोग को, तो रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे एसी फिल्टर देख सकते हो हम लोग ने निकाला है, एसी फिल्टर पूरा गया है, ये रिप्लेस करेंगे। और अभी एयर फिल्टर देख रहे हैं, खोल रहे हैं एयर फिल्टर को, यहाँ पे है इसका एयर फिल्टर, ये भी हम लोग चेंज करेंगे, ये भी ख़राब है। और अभी यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप है, इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, ऑयल प्रॉपर खोलना है, बोल्ट नहीं तो स्लिप हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका ऑयल ड्रेन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल ड्रेन कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। और ऑयल की क्वालिटी पूरा ख़राब है, यहाँ पे इसका लेंकी आता है,
अगर थोड़ा भी गलती हुई तो स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, तो प्रॉपर खोलना है। और इसका रिंग भी है वो भी देखना है और प्रॉपर लगाना। तो यहाँ पे ऑयल ड्रेन कर दिया हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हो। और अब इसका ऑयल फिल्टर खोलेंगे। यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर, तो यहाँ पे ऑयल फिल्टर भी खोल लेते हैं और इसकी कंडीशन भी देखते हैं, रिप्लेस तो करना ही है। यहाँ पे हम लोग इसका एयर फिल्टर भी, सॉरी ऑयल फिल्टर खोल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग खोल लेते हैं ऑयल फिल्टर इसका, ये देख सकते हो कंडीशन, देख सकते हो आप लोग पूरा ख़राब हो गया हो। ये इसका ऑयल फिल्टर, वो भी रिप्लेस करेंगे, वो तो गए ही, ये रिप्लेस तो करना ही है। आज यहाँ पे हम लोग उसका सामान ले लिए, कैस्ट्रोल GTX 5W30 ऑयल है वो डालेंगे, और यहाँ पे इसका ऑयल फिल्टर, और यहाँ पे इसका एयर फिल्टर, और ये है हमारा AC फिल्टर, केबिन फिल्टर, जो कि हम लोग चेंज करने वाले हैं। और बाकी इसके हीटर प्लग वगैरह हम लोग मैनुअली चेक करेंगे, चारों हीटर प्लग चेक कर लेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी डाल देते हैं नया, यहाँ पे हम लोगों ने एयर फिल्टर डाल दिया, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फिटिंग कर लेते हैं, इसके चार स्क्रू आते हैं वो भी डालेंगे प्रॉपर। जलने वाले को जलाते रहे, यहाँ पे हम लोग चार स्क्रू लगा लेते हैं प्रॉपर। हम लोगों ने एयर फिल्टर डाल दिया है और अभी इसका ऑयल फिल्टर डालेंगे अच्छे से, उसको क्लीन कर लेते हैं। फिर इसका ऑयल फिल्टर है और रिंग भी नया डालेंगे। हेलो, रिंग प्रॉपर डालेंगे नहीं तो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फिटिंग कर लेते हैं अच्छे से, रिंग प्रॉपर डालना। यहाँ पे हम लोग उसको टाइट कर लेते हैं, फुल अच्छे से टाइट करना है नहीं तो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्क में पेपर मार के ब्रेक पैड सर्विस करके लगा देंगे अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, डिस्क ज़्यादा गाड़ी खड़ी रहती है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ब्रेक सर्विस करके लगा रहे हैं उसका, केबिन फिल्टर भी डालेंगे उसका, AC फिल्टर। यहाँ पे मैं AC फिल्टर डाल देता हूँ इसका। यहाँ पे है उसका लोकेशन, यहाँ पे मैंने देख सकते हो आप लोग AC फिल्टर डाल दिया है और अभी इसका कवर लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने उसका कवर भी लगा दिया है और अभी ग्लो बॉक्स लगा देता हूँ इसका। यहाँ पे मैंने ग्लो बॉक्स भी फिटिंग कर दिया है। यहाँ पे हम लोग ने ब्रेक सर्विस करके टायर लगा दिया है, फ्रंट लेफ्ट का है और अभी फ्रंट राइट का करेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्रंट राइड का ब्रेक सर्विस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेक पैड पे पेपर मारेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम लोग ब्रेक पैड फिटिंग कर रहे हैं, अभी देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग फिटिंग करके ले लिए हैं और अभी इसका कैलिबर लगाएंगे। कैलिबर पिन भी चेक करना रहता है प्रॉपर है क्या, फ्री है तो अपन लगा सकते हैं, अगर जाम है तो उसको फ्री करके लगाना रहता है। तो इसका हीटर प्लग भी चेक करेंगे, एक बार मैंने मेन में लगाया है और अभी हम लोग एक पेट्रोल गाड़ी में तो स्पार्क प्लग आते हैं लेकिन इसमें हीटर प्लग आता है, वो भी स्पार्क प्लग का ही काम करता है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो तो पहला नंबर काम कर रहा है, आपको दिखाऊँगा मैं, ये देख सकते हो काम कर रहा है, एक नंबर का बराबर है। और अभी सेकंड नंबर चेक करेंगे दूसरा, तो यहाँ पे देख सकते हो धुआं आ रहा है, ये भी बराबर है, देख सकते हो आप लोग। और अभी थर्ड नंबर चेक करेंगे, तीन नंबर का, और अभी तीन नंबर का देखेंगे तो तीन नंबर का भी बराबर है, ये देख सकते हैं स्पार्किंग हो रहा है। ये सबसे इजी तरीका है हीटर प्लग चेक करने का।
और अभी 4 नंबर का देखेंगे। तो यहाँ पे भी स्पार्किंग हो रहा है। तो हीटर प्लग भी हमारे बराबर है, आप चेक कर सकते हो एक वायर लेके बैटरी का एक मेन में लगा के, और चारों हीटर प्लग चेक कर सकते हो। तो मेरे चारों हीटर प्लग बराबर है, तो मैं सारे सॉकेट लगा देता हूँ उसके प्रॉपर। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लगा दिया है। और अभी हम लोगों ने चारों ब्रेक सर्विस करके ले लिया है, यहाँ पे पीछे का भी सर्विस करके ले लिया है, टायर लगा रहे, और चारों भी आगे का भी देख सकते हो आगे का भी लगा दिया है। चारों ब्रेक सर्विस करके ले लिया है, फिल्टर सारे डाल दिए हम लोगों ने, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और अभी डालेंगे इंजन ऑयल इसका, और यहाँ पे देखेंगे इसका कूलेंट का लेवल चेक करेंगे। कूलेंट लेवल बराबर है, यहाँ तक है, नॉर्मल फुल तक लिखा हुआ है, वहाँ पर है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ब्रेक ऑयल देखेंगे, तो ब्रेक ऑयल भी है, तो कैप बराबर लगाने का उसका। और यहाँ पे इसका बेल्ट देखेंगे, तो बेल्ट की कंडीशन भी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओरिजिनल बेल्ट है, अभी कुछ महीने पहले ही डाला है। तो यहाँ पे सब कंप्लीट है, और अभी इसका लास्ट में डालेंगे हम लोग इंजन ऑयल, और हम लोग डालेंगे और आपको दिखाता हूँ मैं। ट्रेन हो गया है, और अभी हम लोग इसका बोर्ड लगा देंगे अच्छे से। हम लोग बोल्ट टाइट करके ले लेंगे अच्छे से, और उसके बाद ऑयल डालेंगे। यहाँ पे बोल्ट टाइट हो गया है, और अभी ऑयल डालेंगे इसमें, कैस्ट्रोल का ओरिजिनल ऑयल डाल रहे हैं हम लोग, और इसको ऑयल डाल लेते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल डाल दिया है, लेवल चेक करो। ओके, बराबर है, यहाँ पे लेवल भी ऑयल का बराबर है। तो हम लोगों ने इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर सब चेंज कर दिया है, और बाकी सब भी चेक किया है, हीटर प्लग भी बराबर है, सब प्रॉपर है, और इसका भी बैटरी का पानी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बैटरी का पानी भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बैटरी का पानी देखेंगे तो बराबर है, लेवल है, 2022 का बैटरी है, चौथे महीने का। इसी तरीके से पाँचों में चेक करना है। यहाँ पे मैंने देख सकते हो बैटरी में भी पानी हमारा लेवल है, ठीक है, 6 सेल में पानी हमारा प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं लगा देता हूँ, लोगों ने सर्विस कर दिया है, और अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इग्निशन ऑन करूँगा, और गाड़ी स्टार्ट कर दिया मैंने, और इसके पावर विंडो भी चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पे देख सकते हो पावर विंडो, फ्रंट राइट, और अभी फ्रंट लेफ्ट का दिखाता हूँ, फ्रंट लेफ्ट का भी बराबर है, और रियर लेफ्ट भी बराबर है, और रियर राइट वो भी देखेंगे, तो वो भी बराबर है। तो हम लोगों ने सर्विस कर दिया है, और सर्विस के साथ साथ में ये जो हमारी चाबी है, देख सकते हो क्या कंडीशन है, हम लोग इसको नई बनाएंगे, ये ख़राब हो गई है, रिप्लेस करेंगे चाबी भी,
और आपको दिखाऊंगा मैं नई चाबी। तो ये हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, बाकी सर्विस तो हो गई है। आपको बाहर से दिखाता हूँ, इंजन स्टार्ट रखा है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो इंजन हमारा स्टार्ट है और सर्विस हम लोगों ने कर दिया है। और अभी टायर को नीचे लेके चारों टायर टाइट कर लेते हैं। गाड़ी हमारी जैक पे है फ्रंट से, तो चारों व्हील टाइट करना है प्रॉपर। तो गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।